एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। ఫామ్ హౌస్ లో దొరికిన దొంగల పార్టీ బీజేపీ పార్టీ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఫామ్ హౌస్ లో స్వామీజీని మధ్యలో పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యేని కొనుగోలు చేస్తూ 3 గంటల వీడియోలు మన కేసీఆర్ గారి ప్రెస్ మీట్ లో స్పష్టంగా చూడాలి। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మోడీకి అమిత్ షాకి భయం పుట్టి ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ద్వారా డబ్బులు వేల కోట్లు పంచి మద్యం పంచి రాజ్యాంగ సంస్థలను మన వైపు వాడుకొని మనం ఇక్కడ గెలిచినట్లయితే కేసీఆర్ గారి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మనం అడ్డం పడి ఇక్కడనే అడ్డుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది। కాబట్టి ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక తీసుకొచ్చారు బీజేపీ నాయకులు। ముందుగా ఈ బీజేపీ నాయకులకు అసలు మాట్లాడేటటువంటి నైతికత లేదు। జనతానే जो जजमेंट दिए वो जजमेंट पूरा देश के लिए, जो देश में जो बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामा कर रहे, अनडेमोक्रेटिक कामा कर रहे, और जो बीजेपी ने दूसरा स्टेट में जो सरकार को डिस्ट्रॉय करके अधिकार लेके आने के लिए जो बहुत पैसा खर्चा करके अधिकार में आ रहा, आज जनता पूरा मुनुगोड़ जनता, किसान लोग, आम आदमी लोग, औरत लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, बीसी लोग, पूरा एकदम पूरा जो मुनुगोड़ में वोटर है, मुनुगोड़ में जनता है, वो पूरा जनता केसीआर के साथ है बोल के प्रूव करे। और बीजेपी लीडरों को, बीजेपी पार्टी को शर्माना चाहिए। मुंह खोले तो असत्य प्रचार, मुंह खोले तो झूठा बाता। अभी ये रिजल्ट से जो बंडी संजय, उसको दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, जो क्या बात करना क्या नहीं बात करना वो नहीं मालूम है क्या करना, जो हिंदू मुसलमान का बारे में बात करना, जो अष्टलक्ष्मी टेम्पल के पास आ जाओ बोल के बोलना, जो यादगिरी गुट्टा नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के पास आओ जा बोल के बोलना, उधर टेम्पलों का बीच में और हिंदू मुसलमानों का बीच में लड़ाई करके ये लड़ाई से फायदा निकलने के लिए पूरा बंडी संजय और पूरा ये बदमाश बीजेपी लोग प्रयत्न कर रहे, ये इधर तेलंगाना में नहीं चलेगा। तेलंगाना किसान लोग, तेलंगाना दलित लोग, तेलंगाना आदिवासी लोग, तेलंगाना माइनॉरिटी लोग, तेलंगाना एम्प्लॉयज लोग, पूरा जो हमारा केसीआर साहब के साथ है और आगे भी हमारा बीआरएस साथ चलेंगे बोल के अभी मुनुगोड़ का रिजल्ट अपन को वो बीजेपी लोगों को आंखें खुला के दिखा दिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर तू वोट मांगने का है तेलंगाना में बीजेपी को अधिकार में लेकर आने के है, क्या करना? ये 8 साल में मोदी का और अमित शाह का बीजेपी गवर्नमेंट तेलंगाना किसानों के लिए क्या करे, तेलंगाना मुसलमानों के लिए क्या करे, तेलंगाना दलितों के लिए क्या करे, पूरा तेलंगाना को क्या करे? और जो कुछ भी एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो कुछ भी है उसके लिए क्या करें? जो तुम्हारा मैनिफेस्टो में है 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट साल में देंगे बोल के बोले, किधर चाहेगा 8 साल में कितना कितना एम्प्लॉयमेंट दिए?
और 15 लाख धनाधन हर एक आदमी का अकाउंट में आता बोल के बोले, किधर है? ये पूरा बीजेपी पार्टी नहीं है, ये बीजेपी लीडरों का अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। बंडी संजय को पूरा अकल चले गए मुनगोड से, मुनगोड में हर गए ना, जो विवेक का अकल चले गए, खुद वो लोगों को अकल नहीं है। मुनगोड रिजल्ट से पूरा जो कुछ भी जितना 2% 3% अकल था वो भी अकल चले गए बंडी संजय के और विवेक को। इसलिए टीआरएस पार्टी का तरफ से हम आम आदमी के लिए, तेलंगाना जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गिरिजनों के लिए, सब लोगों के लिए हम काम करने के लिए बीआरएस पार्टी तैयार है और काम करेगा। काम करने के बाद हम चुनाव में जाके जनता को हम वोट पूछेगा। ये हिंदू मुसलमानों का गड़बड़ करके पूरा धन लेके आके 1000 करोड़ कॉरपोरेट का पैसा लेके आके गवर्नमेंट गिरा के गिराने का कोशिश हम कभी भी नहीं करते। जो कुछ भी करते वो जनता के लिए करते, खाली जनता का हित में हम काम करते, जनता के लिए काम करते और संसद के साथ हम काम करते, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्शन करने के लिए काम करते। इसलिए आज मुनगोड बाय इलेक्शन में मुनगोड जनता हमको आशीर्वाद दिए। ये आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, देश में हर एक कोने कोने पर हम जाके बीआरएस पार्टी को एक्सपेंड करेंगे और जनता का वो जनता का मन में, जनता का दिल में हम थोड़ा चोट बना देंगे। इसलिए हम बार बार एक ही बोल रहे, हमारा बीआरएस पार्टी केसीआर का नेतृत्व में पूरा जनता के लिए, आम आदमी के लिए, जो देश में गरीबों के लिए काम करने के लिए तैयार है। हम जो कुछ भी कुल दिल के दिल खोल के हम आगे बढ़ने के लिए पूरा मदद देते बोल के मैं विश्वास एक्सप्रेस कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, बीआरएस को देश में दिल्ली को लेके जाएंगे और ये झूठा ड्रामा पार्टी बीजेपी पार्टी को दिल्ली से हटा देंगे। ये केसीआर का वादा है, हम एक सैनिकों का जैसा काम करने के लिए तैयार है। जय तेलंगाना, जय बीआरएस। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।